सदर पंजाब में चूंडन लाइ 3 अप्रैल की तारीख की मंजूरी दई छी। आरिफ अलवी पारा इलेक्शन कमीशन की तजवीज कल तारीखों से गौर का पंजाब में 3 अप्रैल से चूंडू कराने की मंजूरी दिनी वही। इलेक्शन कमीशन पारा सदर के पंजाब में चूंडन लाइ 3 अप्रैल का 7 मई की तारीख तजवीज कई वही हुई। इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में भी चूंडन की तारीख लाइ गवर्नर के खत लिखी छो। मुल्क की बेहतरी लाइ आर्मी चीफ से गाल तैयार आया। इं लगी रो है तो आर्मी चीफ मुख्य पंजो दुश्मन समझे तो एस्टेब्लिशमेंट से का वेड़ ना है को इो समझे तो गोड़ा फोड़े छो नो गल तैयार ना है मां क्या। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की लाहौर में सहाफिन से गाल बोल सिंध चवण है तो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा खेस उठी में छुरो हो उन रूस की मुखालिफत में तकरीर कई संदस कोर्ट मार्शल थे। जिस शख्स को बचाया जा रहा है उसकी सियासत देखो जरा। जब हुकूमत से निकला तो कहता साइफर आ गया, अमेरिका ने मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश कर दी, गुलामी ना मंजूर, अमेरिका के आगे झुकेंगे नहीं। और अब पांव में गिर गिर कर अमेरिका से माफी मांग रहा है। जमानत पार्क में बैठकर अमेरिकनों से मीटिंग कर रहा था। भरो तहरीक भी अपनी आहों और सिसकियों के साथ इख्तिताम को पहुंची। असा के इम्पोर्टेंट चवंदर पान एक्सपोर्ट थे तैयार वेठो है जो असेंबली छड़े बाहर निकतो हाँ वापसी लाइ मिंथू करे पो। अड़े शख्स के ऐवान में न पर पागल खाने में होण घुर्जे। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की पीटीआई चेयरमैन से छिती तनकीद। तो चवण है तो गुजरियल ढी इमरान खान जमान पार्क में अमेरिकन से मुलाकात कई हू बहरे अंजाम से पहुंची वो है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से अगूड़े सदर आसिफ अली जरदारी ए पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। पीएम हाउस की पधराई मौजूद मुलाकात दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से सलाह मशवरा किया। पीटीआई अखबार फवाद चौधरी जी पनिभा फैसल चौधरी एडवोकेट सा गाल बोल जी मुबैना ऑडियो लीक वही। मुबैना ऑडियो लीक में फवाद चौधरी फैसल चौधरी सा जजन ए वकीलन जे हवाले सा गलाए रहा है। उनन सा थोरो मिली वठो खेन चो तो तहां सा गड सजी ट्रक बिठल आहे। फवाद चौधरी जी फैसल चौधरी सा मुबैना गाल हु एक बी जाली ऑडियो मुझे नाले सा मार्केट में उछलाई वही आहे। इन ऑडियो जो मूसा को भी ताल्लुक ना है। तहरीक इंसाफ अगवान फवाद चौधरी जो रद्द अमल नजरबंदी जा हुक्म मुअतल। लाहौर हाईकोर्ट पीटीआई अगवान शाह महमूद कुरैशी असद उमर ए बियन के आजाद करण जो हुक्म दे छड़ियो। पंजाब हुकूमत खां 7 मार्च ताई जवाब तलब। न मुल्क डिफॉल्ट थो है न डिफॉल्ट थे दिनों वो इमरान खान कुछ महीना रहे हा तो मुल्क जो दिवालो निकली वे हा। पाकिस्तान के नुकसान पहुंचाने इमरान नियाजी की सियासत जो हिस्सो है। न रुगो जंग पर संदस दिमाग में भी मसलो है। नाने वाले वफाकी वजीर साहब डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस संदस चवण है तो हुकूमत सियासत बदरा मुल्क बचाने जो फैसलो किया है। बोर्ड मुतासिन के लिए 16 अरब डॉलर की जरूरत है। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर के रिवर्स गेयर लगे वो। इंटरबैंक डॉलर की कीमत में तेजी से घटाई। डॉलर मजमुई तौर 10 रुपया 27 पैसा सस्तो थियण का 274 रुपया 82 पैसों थी वो। बदअमनी के सिंध हाई कोर्ट अमनो अमान की सूरत हाल ए धाड़ेलन खिलाफ ऑपरेशन बाबत आईजी सिंध तरफा पेश कल प्लान रिपोर्ट रद्द कर छी। अदालत रिमार्क्स नाहन तवा शॉर्ट ए लॉन्ग टर्म लाए उत्तर सिंध जो प्लान तरतीब दिनों है। असा के पूरी सिंध जो प्लान खपे। शॉर्ट टर्म प्लान रिपोर्ट में चयो है तो पाक आर्मी एयरफोर्स रेंजर्स ए पुलिस के गडियल ऑपरेशन लाए सिंध हुकूमत के लिखो वो जदीद हथियार की खरीदारी लाए हुकूमत के 2.87 अरब करोड़ जारी करना है। घोटकी कश्मोर शिकारपुर सखर के कच्चे वाले इलाक में पुलिस बेस कैंपू कायम कई वही।
हंगामे तौर से लोकेटर्स फ्राहम क्या वा धाड़ल जो मोबाइल फोन सिम्स बंद करण लाए पीटीए के दरख्वास्त दिनी मिली है। सोशल मीडिया से गलत प्रोपेगेंडा रोकण लाए एफआईए के लिखे दी। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में बदमनी केस की बुधड़ी अदालत में पेश न थींदड़ एसएसपी अब्दुल कयूम पताफी मुआफी घुरी वरती। अदालत पारा अब्दुल कयूम पताफी के छंड अदालत टिन महीनन अंदर जिले नौशहरो फिरोज में डोहारण मंशियात जो खात्मो करण की पक जारण से पोस्टिंग से बहाल कर छो। जस्टिस सलाउद्दीन पवर रिमार्क्स दिना आईजी सिंध इतने पेश थो अवहा कड़े कानून तहत पेश ना हो थे अवहा या सरकारी नौकरी न कोई देर तीन सुम्या पाया हुज। वरे वजीर मुराद अली शाह की सदारत हेठ आदमशुमारी बाबत अहम इजलास। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमर सैयद नासिर शाह सैयद सरदार शाह शरीक चीफ सेक्रेटरी सूबाई सेक्रेटरीज कमिश्नर्स और डीसीज वीडियो लिंक से शरीक थे। आदमशुमारी एक कौमी फर्ज है सब पान के गणायन कमिश्नर्स डीसीज यकीनी बनायन तो घर समूरा भाती गणजन टैबलेट जरिए डेटा दाखिल कई पी वे। समूरा वजीर आदमशुमारी बाबत आवाम के आगाही दियन वरे वजीर की हिदायत चयाई देह सतह से सभी के घर घर बातन की गणप यकीनी बनाई वे। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमण के लड़काने में केपीओ ते हमले दौरान शहीद थे पुलिस अहलकार गुलाम अब्बास लगारी के घर आमद वारसन से उजर ख्वाही संद चवण है तो सारी दुनिया डिठो है तो सिंध पुलिस बहादुरी से दहशतगर्दन जो मुकाबलो कियो। शहीद गुलाम अब्बास लगारी फर्ज सर अंजाम दींदे शहादत माणी शहीदन के सिंध हुकूमत का पैकेज मिलन शहीदन के कें भी सूरत में विसारे न तो सके। सिंध दुश्मन मंसूबन महंगाई बेरोजगारी बदमनी करप्शन खिलाफ सखर का निकतल एसयूपी जो सिंध मार्च न्यू सईदाबाद पहुंची वो मुख्तलिफ सियासी समाजी पार्टियों के अगवाणन कारकुनन पारा काफिले की आजियाँ रोशन बुरड़े बेन अगवाणन डिजिटल आदमशुमारी सिंधन के अकलियत में तब्दील कर दी साजिश है जैसे खिलाफ मुजाहमत कई वी हुकुमरान मुल्क में अफराधु महंगाई पैदा करे अवाम का मानी जो ग्रह भी खसे वरतो है। सजी सिंध में बदमनी बधी वही है गुजरियल काजी अहमद में भी तबियत खराब थे सबब सैयद जैन शाह के कराची की अस्पताल मुंतकिल कर वो हो। एसयूपी मार्च की अगवाणी रोशन बुरड़ो बया कर रहा है। खेपुर भरसा गाढ़ी मोरी वे इलाके में डुंगराणी बरादरी के बिन धुरन में जमीन के तकरार का छेड़ो फायरिंग के नतीजे में टे जणा मारजी वा औरत समेत चार मू जख्मी बिन जणन के मारजन का धुरन में सख्त छिकता। नौशहरो जिले में खुराक खाते के अरबे रुपये की कणक गायब सेक्रेटरी खुराक अठ फूड इंस्पेक्टर आई सुपरवाइजर के मौतल कर छो नोटिस जारी कर छाया। फूड इंस्पेक्टर बदर कीरियो कमरदीन मेमर शामीर सोलंगी अली नवास मेमर गदा हुसैन खोसो मौतल शहीद बिन नजीराबाद के गुलाम अली खासकेली लाड़काने के बशीर अहमद के मेंगल के मौतल कर वो। फूड इंस्पेक्टर बदर कीरियो से 5000 मैट्रिक टन कणक गायब कर इल्जाम आई नूरपुर में खुराक खाते के गोदाम इंचार्ज गदा हुसैन से 1500 टन कणक गायब कर इल्जाम लगाया वो। कंबर भरसा गोठ राहुजा आउठिया में माल चारण के मामले ता बिन धुरन में झेड़ो नींगर धन्नार कतल संदस भाव जख्मी चांडिया बरादरी के बिन धुरन में झेड़े दौरान गोलू लगड़ सबब धन्नार मोहम्मद रफीक मारजी वो करीम बख्श सख्त जख्मी कंबर अस्पताल मुंतकिल। परे आखिर भरसा गोठ चंदन मियाणी में मुबैना कुकर चोरी के इल्जाम में औरत कतल जवाबदार असदुल्ला मीरानी गोलियों हणी सोबिया मीरानी के कत्ल कर छो। सरियन जवाबदार तालीम खाते में उस्ताद है वाकेबाद इलाके में कावड़ की लहर छायल है जवाबदार वाकेबाद फरार थी वो पुलिस मकतूला जो लाश अस्पताल मुंतकिल कर। उबावरों भरसा शादी की तकरीब दौरान मानी न दियण ता छेड़ो एक जणो कत्ल गोठ
नंटू लांगो में बशीर पवहर डंडा हणी जहूर पवहर के कत्ल कर छो पुलिस जवाबदार के गिरफ्तार कर वरतो। गंबड़ में जो हथियारबंद संगामती तकरार त नारी के अगवा कर गोठण नारी शरीफा मंगलू के अगवा करण में एक जवाबदार के पकड़े पुलिस हवाले कर छो। मुर्गी नारी के वारसन जो अगड़ा राजीगेरो लिंक रोड से टायरन के बाहे डेई धरणो नारी के तुरंत बाजियाबी जो मुतालबो। उस्तादन जो ड्यूटियों आदमशुमारियों में लगन सबब मलिर जिले में 100 स्कूल बंद थी व्या। रजाकाबाद पपरी दरसाउन छनो घगर फाटक ए इब्राहिम हैदरी वारन इलाकन में स्कूल बंद थियण सबब सवे बारन की तालीम मुतासर। सिंध की राजधानी कराची में 6 सिंध लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत। वरे वजीर सैयद मुरादमी शाह पारा आर्ट्स काउंसिल में इफ्तिताह। मुख्तलिफ मौजूअन ते महकू सिंध सूफियन की धरती है। सिंध हुकूमत सूफी कल्चर के हथी डियण की कोशिश कर रही है। वरे वजीर सैयद मुरादमी शाह जो सिंध लिटरेचर फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब के खिताब। सूबाई वजीर सैयद सरदार अली शाह चवाए त सिंध सूफियन की सरजमीन है। हमेशा मोहब्बत जो पैगाम दिनो है। सकाफत सिंधु नदी जो किरदार अदा करे सके थी। दहशतगर्दन कलंदर जी दरगाह ते धमाको कयो पर पोए भी सकाफत जारी है। आई सिंध समेत सारी दुनिया में लेखकन जो आलमी दिहाड़ो मल्हायो वियो। मुनासिब मुआवजो न मिलण आई किताबन जी घट विकरे सबब सिंधी लेखक अनेक मसलन जो शिकार। लेखक मंसूर कादर जुणे जो मुश्ताक मसरूर बारे जो आई बेन जो चवण है तो मोबाइल अचण सबब किताब पढ़ण जो रुझान घट थियो है।